हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल साहब को संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज मैं टूल्स बेचने का काम कर रहा हूँ। जैसे आपको बताया जा रहा, जैसे मान लीजिए आपको बाइक का हब मोटर चाहिए 2000 वाट का, 1500 वाट का, या फिर 1000 वाट का, 750 वाट का, या 350 वाट का, अलग अलग वाटेज के हिसाब से आपको मोटर चाहिए, तो वो सारे चीज मैं बेचने जा रहा हूँ और आप मेरे से खरीद सकते हैं। आपको गाड़ी कार की चाहिए 3000 वाट की, 4000 वाट की, और नॉन गियर वाली, गियर वाली, तो वो जो भी चीज लेना है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। उसका अलग अलग रेट है और रेट के द्वारा आपको सही सलामत गारंटी के द्वारा आपको माल पहुंचाया जाएगा। कंट्रोलर की, इसके क्या कंट्रोलर लगेंगे, इसके क्या वायरिंग लगेंगे, वो वायरिंग कंट्रोलर सब गारंटी द्वारा, 6 महीने गारंटी की जो हमारा है वो इस तरह से आपको दिया जाएगा। कंट्रोलर जितने भी खरीदेंगे उसकी हर कंट्रोलर की गारंटी होती है। सी बाई गोल्ड का जो कंट्रोलर है हम देंगे आपको, सी बाई गोल्ड में, जिसमें प्रोग्रामिंग की दिक्कत नहीं रहेगी। अब नया मॉडल आया है उस तरह के आपको देंगे, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या था कि थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अभी जो है सी बाई गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है और आपको उस चीज को देंगे 6 महीने गारंटी के तौर पर। तो वो कंट्रोलर, मोटर और भी साइकिल का जो पूरी तरह से कम्प्लीट मोटर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, ये सारे चीज मैंने वीडियो में डाल रखा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर इस लाइन में आपको रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी आइटम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे से सीखना चाहते हैं बाइक को रिपेयरिंग करना, या फिर कंट्रोलर को रिपेयरिंग करना, चार्जर को रिपेयरिंग करना, या कार की मोटर की या कंट्रोलर की रिपेयरिंग करना, तो आप मेरे से ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ, आप जो देखेंगे उसमें सब में मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोर्स के बारे में बताया हूँ। तो अगर आपको किसी चीज को खरीदना है तो आप मेरे को पैकेज बाय पैकेज, जैसे ये बाइक का पैकेज और कार का पैकेज और ये रिक्शा का पैकेज, ये भी मैं कुछ अगले वीडियो में डालूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या चीज आपको लेना है। लेकिन अभी अगर कुछ खरीदना है तो आप इसमें मोटर में, मोटर, हब मोटर, किसी भी तरह का आप मेरे से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी जो देख रहे हैं 4000 वाट की मोटर है और ये है कार की मोटर है। इसमें 4000 वाट की जो कैपेसिटी है 60 वोल्ट में, अगर इसका एम्पियर बढ़ाना चाहेंगे, वोल्टेज बढ़ाना चाहेंगे, तो वो अलग अलग एम्पियर के मिल जाएंगे। और इसमें दो तरह का होता है, ये तो बिना गियर की है, जो गाड़ी गियर में चलाना चाहते हैं जिससे गियर में स्पीड बढ़ जाएगी और इसमें स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, तो गियर वाली जो है उसकी अलग होगी, वो तो अभी नहीं दिखाया हूँ लेकिन वो दिखा दूँगा। और इसके साथ, इस मोटर के साथ इसका ये कंट्रोलर है, ये भी 4000 वाट की है और कंट्रोल मोटर भी 4000 वाट की है, दोनों को एक साथ में आपको पैकेज में मिलेगा। और ये जो है थोड़ा महंगा है, लेकिन आपके लिए ये अगर कार बनाने की किसी को शौक़ है या बनाना चाहते हैं तो इनसे, हमसे लेके वो बना सकते हैं। ये देखिए साइकिल की है, साइकिल की पूरी पैकेज, जो मतलब उसमें कोई भी एक साइकिल का ज़रूरत के काम की है, जो जिसको बैटरी से बनाना है, तो वो सब एक साथ में मिलेंगे आपको। ये उसका ब्रेक वाला है और ये एक उसका ये टॉर्च है जो सामने लगाएंगे हेडलाइट की, और ये उसका कंट्रोलर है। और ये कंट्रोलर जो है कितने एम्पीयर की है देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपने देख लिए 29 वोल्ट और ये 15 एम्पीयर की है। तो ये जो है इसके साथ के सारे कंपोनेंट जितने भी आपको चाहिए पूरा एक डब्बा पैक मिलेंगे, जो आप लेके अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने किसी भाई को, या अपने घर में किसी बुजुर्ग को बना कर देना चाहते हैं जो बैटरी चले, तो आप बना सकते हैं घर में बैठे बैठे। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है, इसके बारे में वायरिंग की दिक्कत होगी तो वो मैं बता दूंगा। और ये उसका मोटर, ये उसकी मोटर है, ये 250 वाट में, 350 वाट में, अलग अलग मोटर है, जो भी आप लेना चाहेंगे उसमें उस लगाने के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट पूरा पैकेज लेना होगा, सिर्फ एक मोटर लेना चाहेंगे तो वो फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर पैकेज डब्बे के हिसाब से लेंगे तो फिर थोड़ा सस्ता होगा। और ये है 1000 वाट की मोटर, जो स्कूटर में लगा सकते हैं, स्कूटर में लगा सकते हैं, बाइक में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 1000 वाट की है। और इसकी कंट्रोलर भी साथ में आपको लेना हो तो अलग से आपको कंट्रोलर को भी देंगे। ये
ये सारे थिम्बल जो है अलग अलग थिम्बल होते हैं जो अलग अलग बाइक में गाड़ी में बैटरी रिक्शा में मोटर की और ये चार्जर में भी लगाते हैं। तो ये अलग अलग थिम्बल है, इसको भी मैं मार्केट में बेचना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोग को लेना हो तो आप इसके बारे में मेरे से बात कर सकते हैं। और ये अलग अलग साइज का है, किसी एक साइज का जैसे आप देख लीजिए ये मोटर का लेकर रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये मोटर का सेंसर के जो वायर होते हैं 5 वायर कपलर के, उसमें जो वो पीले जो किसी किसी खराब रहते हैं तो उसमें एक सिंगल आप लेके उसमें लगा सकते हैं। वो ये है, गौर से देखिए, ठीक है। और इसके बाद इसके जो मेल फीमेल इसके दूसरे साइड में जिसको सेंसर में ही बोर्ड में कनेक्ट करते हैं वो ये है। और ये भी 1 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है, आप इसे भी ले सकते हैं। और ये थिम्बल, ये जो थिम्बल है ये आपने जैसे ये हॉर्न में और जैसे स्पीकर स्पीकर कई भी कनेक्शन के लिए होते हैं उसके लिए है। और ये भी देखिए किसी से वायरिंग, ये भी थिम्बल में ही है, ठीक है। अगर आपको और ये बैटरी के जो तार होते हैं, बैटरी के तार या फिर मोटर के, उसके अलग अलग साइज की अलग अलग गेज के, मोटा जो होता है मोटा पतला वो अलग है और ये अलग है। और आप देखेंगे जैसे ये 2 साइज है, ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, ये अलग साइज है। आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसका गेज मोटा होगा और इसका गेज थोड़ा सा पतला होगा, दोनों अलग अलग गेज में ले सकते हैं। और ये देखिए ये और उसमें भी अलग अलग गेज का है जो भी ले सकते हैं। ये देखिए मोटा उसका है, आइटम चाहिए हैवी में जो बैटरी में कनेक्शन करते हैं, लेकिन उसके और ये जो दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग गेज आपने आज बोले, ठीक है। आप इसमें क्वालिटी अच्छी हो जाएगा। और ये थिम्बल का ये भी आपको मिल जाएगा, अगर किसी में कपलर जो है आप कहेंगे कि मुझे कपलर सिर्फ चाहिए तो ये कपलर भी मिल जाएगा, अलग अलग साइज का है। और ये आप मेरे को बोल सकते हैं, खरीदता हूँ तो आप मेरे फोन करेंगे, डब्बे के डब्बे लिए मेरा हो जाएगा। ये कंट्रोलर है जो ये 1000 वाट का कपलर जो लगते हैं, सब तरह के कपलर आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। 48 वोल्ट ये है, 1000 वाट काफी सस्ता है। अभी ये हमारे पास 1000 रुपए का है और ये भी देंगे। और जो इसके साइज बड़े साइज का जो कंट्रोलर है वो अभी भी आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये देखें ये जो कंट्रोलर है, और ये जो है कंट्रोलर ये कॉपी वाला कंट्रोलर है जिसमें ये कॉपी का माल होता है मार्केट में चलता है। ये देखिए 48 वोल्ट 50 एम्पीयर, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये है, ये भी कंट्रोलर सही है क्योंकि आजकल जितने भी हैं सब यही लगाते हैं। और ये कॉपी का है, इसका सस्ता है आपको 1200 तक करीब मार्केट में मिल जाएगा, आप मेरे को भी बोल सकते हैं। और ये देखिए मोटर के सेंसर है, ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है और ये बेस्ट क्वालिटी का। और अंतर आपको क्या है जब आप लगाएंगे या फिर लगाए होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन जो दुकानदार हमें जो बताया गया है कि इस तरह से आप इसका रेट और इसका रेट में अंतर है, तो वो उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी में अंतर है। या ये आपको पीसीबी का है और ये जो इसमें सेंसर लगा हुआ है इन दोनों में कुछ न कुछ तो अंतर है। और जो भी हो मैं आपको जो भी बताया गया है बताता हूँ। ये सेंसर जो है ये भी मिल जाएगा ऐसे में, अगर ऐसे लेना हो, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बताना था, आगे और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और कंपोनेंट्स के लिए लेकर आऊंगा। और आपको लेना हो तो मुझे कॉल कीजिए, नीचे फोन नंबर चल रहा है। और कभी भी आपको माल लेना हो कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। बता रहे हैं ये मोटर की वायर है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। ये देखिए और दूसरे साइड जो आपको मोटर की वायर है, ये मोटर क्वालिटी का है, ये मोटर की तार जिसकी मोटर की जो तार कभी खराब हो जाती है तो हम वो लगा नहीं पाते हैं या कोई और मार्केट की तार मिलती नहीं है, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। इधर मोटर में कनेक्शन करना है और इधर मोटर में कंट्रोलर में करना है और इस तरफ, ठीक है। ये उसकी साइज है, ये करीब 1.5 मीटर है ना, ये जो है आपको मिलेगा, ये 1.5 मीटर पीस चाहिए आप देख लीजिएगा, ये मोटर में लग जाती है। और ये जो मैं अभी दुकान पे, जिसके दुकान पे हूँ, जिन्होंने दुकान पे अभी बताएं कि मेरे से आप सामान लीजिए और सारे आइटम देंगे, ये उनकी दुकान है और इस तरह से सारे सामान उनके पास मिलते हैं। कोई भी कंपोनेंट चाहिए आपको तो आप मुझे कॉल कीजिए, आपको हर चीज़ मिलेगा, जितने पीस चाहिए उतने पीस मिलेगा। आपको सिर्फ फ़ोन करना है, पेमेंट देना है, आपको नहीं आना है ना ही किसी से कुछ बात करनी है। आप पेमेंट करेंगे, बिल बनाकर देंगे, मैं यहाँ से बिल बना कर दूंगा आपको, कोरियर का जो बिल्टी नंबर है वो आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे। अगर आपको मेरे से मिलना है तो सबसे पहले आप वीडियो में देखे होंगे मेरा एड्रेस चल रहा है,
वो एड्रेस पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे आ सकते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग भी लेता हूँ, वहाँ पे आकर सीख सकते हैं अगर सीखना हो तो। लेकिन दोस्तों ये सारे सामान जो है हम बेचने शुरू किए हैं पहली बार, तो आपको अगर लेना है तो मेरे को बता सकते हैं। हर एक आइटम देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है, एक्सेल हो या सोकर हो या ब्रेक शूज हो, ये हर चीज़ जो है हमारे पास एक एक करके मिलेगा। वाशर हो, कोई भी कंपोनेंट्स हो, आपको नहीं का कोई जवाब नहीं है। हर तरह से गाड़ी को आप कंप्लीट करके नया तैयार कर सकते हैं, या नए गाड़ी को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट्स लेके रिपेयर कर सकते हैं। आगे से मैं ऐसा एक देखिए, एम्पियर 20 एम्पियर का है ये 10 एम्पियर वाला पहले बार बार ख़राब हो जाती थी, 48 वोल्ट 72 वोल्ट दोनों का है। अगर पहले जो था 10 एम्पियर का वो बार बार ये ख़राब होता था, तो अब जो है मार्केट में आ चुका है 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का लीजिए, जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये सब मिलेंगे आपको इसमें। दोस्तों इतना आइटम है कि मैं उसको बोलना या बताना बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ कि ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपको भी समझ में आ जाए। सारे कंपोनेंट्स हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं आपको वो भी हमारे पास हैं, आप सिर्फ उसका नंबर बताइए या नाम बताइए, उससे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर सीखना हो और किसी चीज़ को तैयारी करने के लिए, तो आप मेरे से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करता हूँ। और जूम ऐप लोड करके, जूम ऐप लोड कीजिएगा, मैं आईडी पासवर्ड दूंगा आप, और आप बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। और उसमें कई लोग ये कहते हैं कि सर उसमें समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, जब आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो मेरा भी कुछ वो रहता है कि अगर कोई पैसे दिए हैं, अगर ये कोई सीखे हैं, तो उन्हें कैसे समझाया जाए कि ज़्यादा अच्छा समझ में आए, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सोचता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए आपका कोर्स ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, जो जो सीख के गए हैं शायद आप उनसे बात करेंगे तो दोबारा ऐसा सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। रिपेयरिंग के लिए हमें पता है कि आपको कितनी दिक्कत आएगी, हमें पता है कि आपको किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे तो 100% से सीखेंगे या समझ में आएगा, वो हम उस तरह से करके देते हैं। धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं है, आप जो भी काम करेंगे फेस टू फेस होगा और क्लियर होगा। नहीं करना होगा या नहीं बताना होगा तो हम पहले से आपको मना कर देंगे, लेकिन कोर्स करने वाले या करके गए हैं या कर रहे हैं उनसे हमारा ये ऐसा कभी रिश्ता हो नहीं सकता कि मैं उसे मना कर दूँ, ठीक है। तो आप जब भी परेशान होंगे, अगर ऑनलाइन कोर्स किए हैं ऑफलाइन कोर्स किए हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम होता है, टाइम मैं बता दूंगा। या नहीं भी ज़्यादा बिजी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ एक पैकेज बना के, जैसे बाइक का एक पूरी तरह से टूल्स चाहिए जो सिर्फ बाइक बाइक का हो, मुझे और किसी चीज़ का नहीं चाहिए, तो उसके सारे कंपोनेंट्स उसमें डाल के आपको देंगे, लेकिन उसका जो बॉडी है चेसी जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा कि कैसे करना है या किस बॉडी में तैयार करना है, वो उसी का काम आपका रहेगा, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उसके जो कितने भी कंपोनेंट्स है वो देना। तो आप ये देख लीजिएगा कि मुझे क्या करना है। अगर बैटरी लेनी है, बैटरी की बात हमारी चल रही है किसी से, अगर बैटरी लेनी है तो बैटरी जो है हम मार्केट में वो भी लाने वाले हैं, या फिर आपको वहाँ से खुद बैटरी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और उसमें रिक्सेबल काम होता है, लेकिन मैं बैटरी की बात चल रही है हमारी, अगर वो बैटरी दे दी हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद असेंबल करके करने वाला हूँ बैटरी को, और शायद मैं बैटरी असेंबल करके आपको दूंगा, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ करके बैटरी का भी काम आपको करने वाला हूँ। तो आप अगर बैटरी आपको उधर से हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बैटरी का उपाय कर रहा हूँ, बैटरी भी मिलेगी आपको। लिथियम बैटरी और जो दूसरी बैटरी होती है उसकी पानी वाला, तो
तो वो बैटरी तो नहीं, हम लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं। लिथियम बैटरी जो है मैं उसका जुगाड़ करने वाला हूँ, उसको देख लेंगे, अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी से बात हो रही है, अगर वो दे दिए तो ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस लाइन में रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंचे। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते और बेल आइकन की घंटी भी नहीं दबाते, तो उससे क्या होता है कि बस दोबारा जो वीडियो डालता हूँ तो उनके पास नहीं पहुँचता, फिर बाद में खोजते रहते हैं कि कुछ डाले नहीं। या फिर जो डाल कर चुके हैं सब्सक्राइब, उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो अगर करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, तो उनको तो नहीं करना है जो सब्सक्राइब कर रखे हैं। जिनके नीचे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब लाल रंग की होगी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किए, अगर सफ़ेद है तो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन उसके बगल में घंटी का भी है बटन, अगर वो घंटी का दबा रखे हैं तो उसमें अलार्म की घंटी बज रही होगी, या फिर नहीं दबाएं तो नहीं बज रही होगी। थैंक यू दोस्तों।